आशिर और फरा कहाँ हैं? मैं गई थी आशिर के कमरे में, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फरा की तबीयत भी ठीक नहीं, उसके सर में शदीद दर्द हो रहा है। मैंने तो उसे कहा था कि नाश्ते की टेबल पर चलकर चाय का कप पी लो, सर का दर्द चला जाएगा। लेकिन क्या करे, बेचारी को बिस्तर से उठा ही नहीं गया। अरे भाई, इस टेंशन के माहौल में क्या तबीयत ठीक रहेगी किसी की इस घर में। बच्चे तो बेचारे तंग आ गए हैं इस रोज की चिख चख से, बीमार पड़ गए हैं बेचारे। मैं आशा को देखती हूँ। रहने दो सोफिया, मैंने कॉफी भिजवाई है, आराम करने दो उसे। आराम करने से भी उसकी टेंशन कहाँ खत्म होगी बड़ी आपा। जवान भाई की मौत का गम है कि भुलाए नहीं भूल रहा उसे, और भूल भी कैसे सकता है, कैसे भूल सकता है उसके भाई की कातिल। उसकी मुजरिम तो इस घर में दंदनाती फिर रही है, हमारी छाती पे बैठी है। उसका सीना तो इंतकाम की आग से दहक रहा है ना, लेकिन बेबसी देखिए, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आशिर हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा है? उसे किसी ने कुछ करने से मना किया क्या? उसे अपने जवान भाई की मौत का बदला लेना है तो लेता क्यों नहीं है? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आशिर उसके माँ बाप के घर से उसे वापस क्यों लाया। उसका किस्सा वहीं खत्म करके आता तो अच्छा था ना। तस्नीम, फौतगी वाला घर था। फौतगी वाला घर तो ये भी है बड़ी आपा। वहां तो उसके बूढ़े बाप की मैयत उठी थी, यहां से जवान मैयत उठी है, भूल रही हैं आप शायद। तोबा तोबा तोबा, हमारे घर का माहौल तो देखे कितना अफसुर्दा हो गया। मदन के जाने के बाद मचाले जो मैं इस घर का माहौल बदलना चाहती हूँ तौफीक। बिल्कुल आप बिल्कुल बदलिए, मैं तो कहता हूं आज से ही बदलिए। सबसे पहले उस मनहूस को तो इस घर से निकालिए, उसका साया तो दूर करें। आप आशिर से कहें कि अदालत से तलाकनामा बनवाए, उसे लड़की के हाथ में थमाकर उसे रुखसत करें यहां से। नहीं नहीं लेटे रहो, मैं सिर्फ तबीयत पूछने आई थी। मैं ठीक हूँ मामा, बस ऑफिस के लिए रेडी होने वाला था। नहीं, आज कोई मीटिंग्स नहीं है ऑफिस में, तुम घर पे ही रहो। सारा दिन घर पे रह के क्या करूंगा। अपने बारे में सोचो। बेटा, मैं जानती हूं कि अदन का गम हम दोनों के लिए भुलाना नामुमकिन है, लेकिन यह भी सच है कि इस गम के साथ जीना भी नामुमकिन होगा। हमें अपने लिए खुशियां ढूंढनी होंगी।
बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में फैसला करो, अपनी खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए। अभी तुम रेस्ट करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। नाश्ता तो आपने किया नहीं, चलें एक कप चाय पी लें। अच्छा बताएं, आज दोपहर में क्या बनाऊं? पहले तुम कौन सा मुझसे पूछ के पकाती हो? जो तुम्हारे दिल में आए पका लो। लगता है मुझसे अभी तक नाराज है। चलें बस भी करें, आपके दिल में मेरे लिए जो भी गुस्सा है उसे साफ कर दें। देखिए इस घर में है ही कौन, हम तीन लोग। अहमद काम पर चले जाते हैं, घर में तो सिर्फ मैं और आप ही रह जाते हैं। सब्जी वाला आने वाला है, उससे लेके पका लेना, मैं खा लूंगी। कमाल है चाची, मैं इतने प्यार से आपके पास बैठने आई हूँ और आप है कि एक लम्हा भी मुझे बर्दाश्त नहीं करती। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और तुम्हारी मीठी बातों को भी जानती हूँ। ये मकान तुमने अपने नाम लगवा लिया, अब तुम सबकी नजर मेरे शौहर की दुकान पर है। अब तुम लोग उसे भी हड़प करना चाहते हो। मुझे नहीं जरूरत आपकी दुकान की, रखिए अपने पास। आप जाने और आपका बेटा जाने। मैं तो कहता हूं आज से ही बदल गया। सबसे पहले उस मकबूस कुत्ते इस घर से निकाल, उसका साया तो दूर करें। आप आशिर से कहें कि अदालत से तलाकनामा बनवाए, उसे लड़की के हाथ में थमाकर उसे रुखसत करें। यहां जी तौफीक साहब को मेरे कमरे में भेजिए। थैंक यू। Thank you.
आपने मुझे बुलाया आपा? जी जी आप बैठो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ज़हर नसीब आपा, मैं कम से कम इस काबिल हुआ कि आप मुझसे भी कुछ जरूरी बात कर सकें। तौफीक, मैं संजीदा हूं। जी आपा फरमाइए। तौफीक, मैंने डिसाइड किया कि फरा और आशिर की शादी कर दी जाए। फिलहाल एंगेजमेंट कर लेते हैं और जब मैं दुबई से आऊंगी तो उस वक्त शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। आपा, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं, फरा मेरी नहीं आपकी बेटी है। उसके बारे में जो फैसला आप करेंगी उससे बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में अब ये फैसला सबके लिए बेहतर है। जी आपा। क्या सच कहें तौफीक, आपा ने आपसे खुद कहा? तो और क्या, तुम्हारा ख्याल है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? इतनी बड़ी बात मैं अपने पास से ही कह दूंगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। आखिरकार अल्लाह ताला ने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। तौफीक, मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त मैं कितनी खुश हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तो खुद बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फौरन घर वापस आ जाऊं। अच्छा ठीक है, वापसी में ना ढेर सारी मिठाई भी लेते आइएगा। अरे ले आऊंगा मिठाई भी, सब्र करो। और मैंने क्या मिठाई लेके आनी है तुम देखना, आपा जब ऑफिस से घर आएंगे तो यकीनन मिठाई साथ लेकर आएंगी। अच्छा अच्छा, मुझे ये तो बताइए कि मम्मी की तारीख कौन सी फिक्स हुई है? ये तो अभी कुछ तय नहीं किया उन्होंने, मेरे साथ तो सिर्फ फिलहाल इतनी बात की है कि मंगनी करनी है, कोई डेट तो डिसाइड नहीं की है। ये क्या कह रहे हैं आप, इतना अच्छा मौका था, साथ में तारीख भी तय कर देते ना। एक तो तुम्हें ना हमेशा गरम गरम खाने की आदत है, हजार बार समझाया कि ठंडा करके खाया करो। आपा ने आशिर की और फरा की एंगेजमेंट की बात की है तो अब हो सकता है कि तारीख वो घर में सबके सामने बैठ के डिसाइड करना चाहती हैं। जल्दी क्या है? अच्छा मैं ये खबर जाके ना फरा को सुनाती हूँ। डिप्रेशन ले लेके मेरी बच्ची बीमार पड़ रही है, ये खबर सुनकर खुशी से पागल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन उनके सामने दीवानों वाली हरकतें ना शुरू कर देना, बल्कि यही प्रिटेंड करना कि तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हाँ हाँ, हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, आप अपना काम करें। हाँ ठीक है, मैं भी थोड़ा काम कर लूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं, घर में मेडिसिन बॉक्स मौजूद है और तुम इतनी जाहिल नहीं हो कि तुम्हें यह नहीं पता अगर जला हुआ जख्म खराब हो जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है। हाथ देखो अपना, जाओ जाके दवा लगाओ। सचू,
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इतना खुश हूँ, अल्लाह ताला ने हमारी सारी दुआएं कबूल कर ली। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। और सुनो, ये सिर्फ तुम्हारी दुआओं का कमाल नहीं, मैंने जो दिन रात वजीफे किए ना, उनका भी असर है। जो भी है, हमारी ख्वाहिशें तो पूरी हो गई ना? अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी होने जा रही है। और सुनो, ये जो तुम बेसब्री का मुजाहरा मेरे सामने कर रही हो ना, कहीं अपनी पुप्पू और आशिर के सामने मत करना शुरू हो जाना। तुम तो उनके मिजाज को अच्छी तरह से जानती हो, पता नहीं क्या गलत मतलब ले ले। जी। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करे, हर बुरी नजर से बचाए। सदा खुश रहो। ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं, घर में मेडिसिन बॉक्स मौजूद है। और तुम इतनी जाहिल नहीं हो कि तुम्हें यह नहीं पता, अगर जला हुआ जख्म खराब हो जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है। हाथ देखो अपना, जाओ जाके दवा लगाओ। बात अपने जख्म को देख के तकलीफ में आने के बजाय तुम तो मुस्कुरा रही हो। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो इंसान को तकलीफ देने के बजाय उसको इतना सुकून देते हैं कि वो मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता है। वाह भाई, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी तुम तो। आप बताइए, किस काम की वजह से आए थे? मैं इसलिए आई थी कि पूरा किचन बिखरा पड़ा हुआ है, आपा भी के सर में दर्द हो रहा है, खाना भी नहीं बना हुआ, और तुम यहाँ बैठ के अपने जख्म से खेल रही हो। चलो फौरन आओ। सुनो, वो अपने जख्म ना संभाल के रखो।
और अपने दर्द सहने की हिम्मत दे, क्योंकि जो जख्म मैं तुम्हें देने वाली वो तुम्हारे लिए सहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। आशिर, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, आज हम बाहर जाएंगे। बाहर? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूं और मैं चाहती हूं कि हम बाहर जाके मेरी खुशी सेलिब्रेट करें। ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? वही जो हमेशा से सोचती आ रही थी, शायद हमेशा से मेरा ही था। अच्छा बताए ना, हम जा रहे हैं तो मैं तैयार होने जाऊं? नहीं फरा, आज नहीं जाएंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं, कॉफी चाय? नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता। आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं आपके घर आ जाऊं। मुझको पता है आप शादी कर रही हैं और आपको ये शादी रोकनी होगी वरना बहुत बुरा हो जाएगा।
भाई मैं तो ये फंक्शन किसी बड़े से होटल में रखूंगी। आखिर ये मेरे घर की पहली खुशी है ना तौफीक? ठीक कह रही हूँ ना मैं? अरे ये कोई कहने वाली बात है, यकीनन किसी बड़े से होटल में ही होगा, आखिर आपा के घर की भी तो पहली पहली खुशी है ना। बस अल्लाह ताला हमारी खुशियों को हर बुरी नजर से बचाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने खुशियों के हमें ये दिन दिखाए। कहाँ ले जा रही हो फरा? क्या बात है? बात खुशी की है, बैठो। क्या बात है मामा? मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारी और फरा की एंगेजमेंट कर दी जाए, और वो भी इसी वीकेंड। फरा कितनी चेंज हो गई है। उसके बारे में जो मैं पहले सोचती थी अब बिल्कुल वैसी नहीं रही। काफी लविंग और केयरिंग बच्ची है ना आशिर? मैं तुमसे बात कर रही हूं। जी मामा, क्या कह रही हो? मैं तुमसे फरा के बारे में बात कर रही हूँ। फरा के बारे में? बेटा, तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी पसंद तुम पे मुसल्लत करने जा रही हूँ? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। फरा तुम्हें पसंद है ना? जी, वो बहुत अच्छी लड़की है। Yes, she is. और मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें ऐसी लड़की मिले जो तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारा ख्याल रखे। आप खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो। ऐसी बात नहीं, आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ। मुझे तो उसी दिन इन लोगों की नियत पे शक हो गया था जिस दिन तौफीक, तस्नीम और फरा के साथ इस घर में आ बसे थे। उसी रोज भाप गई थी मैं इनकी नियत कि फरा और तस्नीम की नजर मेरे आशिर पर है। कैसे मीठी बनकर इन दोनों ने सोफिया को वरगलाया।
मेरी बेचारी सोफिया, हमेशा से भोली भाली सीधी तबीयत की, उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। तो सही जरा शर्म नहीं आती, पहले भाई बनकर उसको लूटता रहा, अब देखो तो सही पूरा घर का घर यहां पर आ गया। किसी को आशिर से और सोफिया से मोहब्बत नहीं, सिर्फ उसकी दौलत से है बस। जानती हूँ उस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या गुजर, मैं भी बेबस हूं, काश मेरे बस में होता, मैं तुम्हारे सारे गम समेट लेती। नहीं हाँ भाभी, गम तो अपने अपने हिस्से के होते हैं, भला आप मेरे गम कैसे समेट सकती हैं? तुम क्यों इतना जुल्म बर्दाश्त कर रही हो, क्यों खुद अपने पर जुल्म ढा रही हो? रोज बरोज इनके जुल्म बढ़ते रहेंगे। मैं यहां से कहां जाऊंगी, तो मेरा जीना मरना यहाँ ही है। तुम कोई इनकी जरखरीत गुलाम थोड़ी हो, तुम अपने घर चली जाओ, मैं बात करूंगी सोफिया से, उसे समझाऊंगी कि अब वो तुम्हें आजाद कर दे, आशिर से भी कहूंगी कि बस अब जबकि वो शादी कर रहा है तो तुम्हें सताना बंद कर। आप आशिर से ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। क्यों? क्योंकि मैं घर में रहना चाहती। ऐसा क्या है इस घर में? मेरा सब कुछ है इस घर में, सब कुछ। तुमसे फरा के बारे में बात कर। बेटा, तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। फरा तुम्हें पसंद है ना? जी, वो बहुत अच्छी लड़की। Yes, she is. और मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें ऐसी लड़की मिले जो तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारा ख्याल रखे। आप खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो।